अरे बॉस बॉस बॉस, बात सुनो। अबे क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्या बात हो गई? अरे बॉस, जो हमारा प्रिजन वाला अड्डा था ना, वहाँ पे पता नहीं कोई आदमी आया, जोकर जैसा दिखता था पर आपसे बहुत अलग था वो। सभी लड़कों को मार दिया। अच्छा तो उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया? अब नहीं बॉस, उसने हमारे लोगों को मारा और वहाँ से चला गया। अबे कौन है ये बंदा? बॉस मुझे तो लग रहा है जिसने पहले पेटी बनाई थी ना हमारे लोगों की, ये वही है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, अब ये बचने वाला नहीं है। हेलो हेलो, ब्लैक कैट कहाँ पे हो तुम? हाँ मैं यहीं पे हूँ, थोड़ा स्कूल साइड। बोलो क्या काम है? अरे हमारे एरेंगल में ना कोई बाहर से बंदा आया है और हमारे लोगों की बेफालतू में पेटियां बनाया जा रहा है। तुम उसको ढूंढो और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना एक बार, उस साले की मैं अपने हाथों से पेटी बनाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढती हूँ। काम का बंदा यही मिलने वाला था आज, कहाँ है वो? सालो बाथरूम तो साफ कर दिया करो। अरे ब्लैक कैट, ये यहाँ पे क्या कर रही है? भागो यहाँ से। अरे रुक जा, इतनी तेजी में कहाँ भाग रहा है? थोड़े क्वेश्चन के आंसर तो दे दे पहले। अरे ब्लैक कैट, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे अभी तो मैंने सवाल भी नहीं पूछा। अच्छा ये बता, बाहर से एक आदमी आया है, वो हमारे अड्डे के बारे में कैसे जानता है? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तुझे पता हमारे बारे में और तू ही उसको बता सकता है। ठीक है मैं बताता हूँ, पर मुझे मारना मत। वो बंदा कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था, उसने मुझे बहुत सारी यूसी दी थी और बोला कि जोकर के जितने भी खुफिया अड्डे हैं उसके बारे में बताओ, तो मैंने उसे बता दिया। अब जल्दी से ये बता, वो मिलेगा कहाँ? तुम ना शेल्टर की साइड जाओ, तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा वो, पर प्लीज मुझे जान दो। बताया तो इधर ही था, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा ये तुम ही हो जो बैड जोकर बना फिर रहा है? हाँ सही कहा तुमने, तुमने यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम्हें हरा के जोकर से सब कुछ करा सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं फिर। तुम तो बड़ी नाजुक निकली, इतनी जल्दी हार गई। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, और जोकर क्या हाल चाल? अपनी दोस्त भेजी थी मुझे मारने के लिए, पर ये तो खुद ही हार गई और ये मेरे कब्जे में अब। और मेरी बात ध्यान से सुन, इसको मैं ऐसी जगह दुबकाऊंगा जहाँ पे 24 घंटे मर जाएगी। अगर तूने ढूंढ लिया तो फिर सही है, बच जाएगी है। अगर नहीं ढूंढ पाया तो इसकी पेटी बन जाएगी। तो तेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी काम पे लग जा। साले तू जो भी है तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ बाद में देखेंगे, पहले अपनी दोस्त को बचा। ओए जल्दी से अपने सारे लोग बुलाओ, एक जगह इकट्ठा करो। ठीक है बॉस। वो तुम सब सुनो, पूरा इरेंगल छान मारो, ब्लैक कैट को कहीं से भी ढूंढ के निकालो, तो सभी अपना पूरा दम लगा देना। तो जल्दी जाओ ढूंढो। मैं भी ढूंढता हूँ अब जाके।
अरे भाई बात सुनना जरा, यहाँ पे आसपास तुमने किसी लड़की को देखा है जिसने काले कपड़े पहने हो? अरे हमने नहीं देखा यहाँ पे किसी को, अगर भाई कुछ पता हो तो बता दो। अबे नहीं मालूम ना, निकल यहाँ से अब जल्दी। अरे ये जोकर यहाँ तक पहुँच गया, इसकी पेटी अभी बना देते हैं। ये क्या? ये किसका फोन आ रहा फिर से? हेलो, नहीं मिली ना तेरी दोस्त, क्योंकि मैंने कहीं दुबकाया ही नहीं है। मैं यहाँ पे मिलिट्री में हूँ उसके साथ, तू जल्दी से आ जा वरना इसकी पेटी बना दूँ इधर मैं। और अकेला आइयो, किसी को साथ लेके मत आइयो। ठीक है तू वहीं पे रुक, अभी आ रहा हूँ मैं। हैं ये क्या कर रहे हो ऊपर? आ गया बेटे, तेरी दोस्त की पेटी बनने वाली है यहाँ से, अब देखते जा बस। अरे नहीं वहाँ से धक्का मत देना उसे। अरे ब्लैक कैट तुम ठीक तो हो? इसकी पेटी बन गई, पहले से डैमेज दिया था इस साले ने, इसको अब छोड़ने वाला नहीं हो। ये कहाँ गया साला? गायब हो गया साले, कहीं भी छुप जा, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है लड़के, पूरी फिल्म तो अभी दिखाना बाकी है। जब तक के लिए सभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो आगे की वीडियोस देखने के लिए। अबे ये कॉल क्यों नहीं लग रही? टावर नहीं आ रहे, इधर बाहर जाता हूँ। हेलो बॉस। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे रेंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई अब? अरे रेंगल में कोई जोकर नाम का बंदा है, पूरा रेंगल इसी का है, तो मैंने इससे रेंगल लेने की कोशिश करी पर इसने मेरे को हरा दिया फाइट में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बॉस इधर। टेंशन मत ले, मैं थोड़े से लोग भेजता हूँ अपने यहाँ से जो तेरी मदद करेंगे इस काम में। ठीक है बॉस। ये इतना गाड़ियों का शोर कहाँ से आ रहा है? तो सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें रेंगल जाना है और वहां पे बैड जोकर की मदद करनी तुम्हें, ताकि वो पूरे रेंगल पे कब्जा कर सके। तो तुम लोग जाओ और उसकी मदद करो। जी बॉस।
अच्छा तो तुम तीनों हो जिसको बॉस ने भेजा है? हाँ हम वही हैं। बताओ कहाँ पे है जोकर, अभी चल के मारते उसे। ओए ओए थोड़ा आराम से बेटे, आराम से। अगर अभी हम उसको मारने जाएंगे ना तो उसके बहुत सारे लोग ही रैंगल में हमारी पेटी बना देंगे वो। तो सबसे पहले उसके जो भी खास आदमी है उनको निपटाना पड़ेगा। तुम तीनों ये सब काम करोगे, उसके जितने भी खास आदमी उन सबको मार दो, फिर उसके बाद एक साथ हमला करेंगे उस पे, फिर वो कहीं नहीं भाग पाएगा। तो समझ गए सब? जी बॉस हम समझ गए। तो निकलो अब। तुम लोगो जोकर के खास आदमी, तुम सब तो बॉड जैसे। अरे कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास कोई गोली है? अब ऐसे क्या हो गया अचानक? मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम्हारी पेटी बनेगी। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है तुम लोगों की, चलो अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। हाँ भाई तू सही कह रहा एकदम। ओए पीछे देखो नमूनो। अरे ये कौन बोला? अरे भाई ये कौन है? हम लोग यहाँ पे तुम्हारी पेटी बनाने आए बेटा। उससे पहले तुम सब यहीं भून दिए जाओगे। अरे भाई खांसी की दवाई दो यार, अरे बहुत खांसी हो रही है। अब बताते हैं। अरे बॉस आपको पता है जितने भी हमारे खास लड़के थे ना उन सभी को मार दिया गया है। क्या किसने मारा? बॉस कोई तीन लड़के आए बाहर से, उन्होंने यही सब काम किया है। अच्छा दिखा कहाँ है ये तीनों, इन सालों की आज ही पेटी बनाऊंगा। अरे हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं जोकर को मारने के लिए, सीधा चलते साले को मार देते हैं। अरे बॉस ने कहा है कि यहीं पे रुको, प्लानिंग करके मारेंगे। मेरे से नहीं होती प्लानिंग, मैं जा रहा हूँ मारने के लिए, तुम लोग यहीं बैठे रहो। ये मरने जा रहा है, जाने दे हमें क्या। वो है वो जिसके पीछे इतना बवाल मच रखा है। चल सही है अकेला मिल गया, आसानी रहेगी अब तेरी पेटी बनाने में। उससे पहले मेरा इमोट देख ले। ये कैसी आवाज थी हैं? इनकी पेटी किसने बना दी? ओए एक जगह खड़े रहे, अगर जरा सा भी हिला ना भून दूंगा। अभी पैदा भी नहीं हुआ और अपने बाप से लड़ने भी आ गया। है आखिरकार पकड़ ही लिया तेरे को। तू यहाँ पे? हाँ तेरे सर पे पैन मैंने ही मारा था और तेरे को यहाँ पे लेके आ गए। अब बनेगी तेरी पेटी, फिर उसके बाद यहाँ का कंट्रोल मेरे हाथ में। बेटा सपने देखने छोड़ दे, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। लगाओ रे सारे। ये कौन है और हमारे लोगों की एक सेकंड में पेटी बना दी? ओए तुम लोग ही निपटो उससे, मैं तो चला यहाँ से। एंजल तुम इनसे निपटो, मैं उसको देखता हूँ साले को। पता
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ चुके हैं आजकल के लड़के। तुझे शायद पता नहीं, तू मेरी जगह पे ही खड़ा है। तो क्या हुआ, तेरे जितने भी खास आदमी ने सबको मार दिया, अब बस तू ही बचा है। तेरी भी पेटी बनाता हूँ, रुक। अब निपट के दिखा इनसे। कर दी छोटी बात। अब तेरी बारी। चल ठीक है, पर कहीं और लड़ेंगे, इस छोटी सी जगह में नहीं। एकदम से गायब हो गया। गया कहाँ साला ये? पर कहाँ गया ये? अरे जोकर, अरे ये लोग थे कौन और ये तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? अरे ये लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम ढूंढ किसे रहे हो? उसी साले को जिसने ब्लैक कैट को मारा था। अरे टेंशन मत लो तुम, उसको मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, उस साले की बेटी कैसे भी बनानी है मुझे। अरे हंटर तुम, और ये एंजल को क्या हो गया? अरे ये जब ब्लड रेवन से फाइट कर रही थी ना, तो इसने अपनी पूरी पावर्स लगा दी तो वो खत्म हो गया। उसको तो बस थोड़ी सी लगी थी, पर उसने जब एंजल को मारा तो ये तो पूरी नॉक हो गई। अच्छा एक काम करो, इसको उठाओ ले चलो। अब ये कैसी है? अभी भी इसे बहुत सारी चोटें लगी है, इसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तुम इसकी देखभाल करो। बॉस ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, बस इसको चलाने के लिए एक बंदा चाहिए। ये सब मैं कर लूंगा, बस इसे तुम जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करो, फिर इसके बाद मचेगी तबाही। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ चल रही है। अबे ये ब्लड रेवन कितना पावरफुल है, एंजल तक को हरा दिया इसने। भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। अच्छा एक बात बता, इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है यहाँ पे, हमको फेरो नहीं दिख रहा, ये किस कोने में जाके टपक गया है? अरे वो तो मीरामार में ही रहता था ना, वहाँ पे तो ब्लड रेवन आ चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों की फाइट हो और ब्लड रेवन ने फेरो को हरा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। अरे सुनो तुम सब। अरे अब ये कौन आ गई लड़की? अरे ब्लड रेवन ने इसको अपने वश में कर रखा था और ये उसके लिए काम करती थी, पर अब ये हमारे साथ है। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ब्लड रेवन लिविक में क्या कर रहा है? वो वहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर बना रहा है जिससे वो पूरे मैपों पे कब्जा कर सकता है आराम से, चुटकियों में सबको मार देगा। क्या, अभी तो हमने दो मॉन्स्टर को तो हटाया यहाँ से, इरेंगल और सैनोक से, अभी तीसरा कहाँ से आ गया? मुझे ये नहीं पता कब से प्लान कर रहे हैं ये, पर वो जो तीसरा वाला मॉन्स्टर है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, दोनों मॉन्स्टर से भी ज्यादा। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बस अब एक ही काम कर सकते हैं, अपनी अपनी आर्मी से इकट्ठा करो और जाके मारते हैं उसे। मेरे पास बहुत सारी आर्मी थी, पर उस गॉडज़िला ने काफी लोगों को मार दिया मेरे, तो अब हमारे पास तो बहुत कम लोग बचे हैं। मेरे पास भी थोड़े से ही लोग हैं, लड़ेंगे कैसे उससे? कहीं ना कहीं से बुलाना पड़ेगा आर्मी को, वरना जीत नहीं पाएंगे हम। इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अरे भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम रॉकी हो ना? हाँ भाई एकदम सही पहचाने हो तुम, इतने दिनों बाद। भाई कहाँ थे तुम? बस दूसरे मैपों में अपनी बातचीत बढ़ा रहा था मैं, और मुझे किसी ने बताया कि इरेंगल और सैनोक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया। और मैंने देखा तो यहाँ पे तुम्हें आर्मीज की जरूरत है काफी सारी, मतलब तुम हेल्प कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी तो ठीक है, मैं काफी सारी आर्मीज बुला रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ सब। यहाँ से अकेला मैं ही जाऊँगा। अरे हम भी साथ में चलते हैं ना? नहीं नहीं, अगर मेरे पीछे कोई गड़बड़ होती है ना, तुम लोग संभाल लेना।
इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये कौन आ गया इधर? और रॉकी, सुनने में आया था कि तू बहुत दिनों बाद रेंगल में आया है, तो मैं आ गया तेरी पेटी बनाने के लिए। अरे भाई है कौन ये? अरे मेरा पुराना दुश्मन है, मैं बहुत दिनों से रेंगल में नहीं आया था तो ढूंढ रहा था ये, अब जब आ गया हूँ तो मारने के लिए आ गया मुझे। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। सर कबालीडा, अबे गलत टाइम पे एंट्री मारता तू हमेशा। अगली बार आइयो ना, थोड़ा अच्छी प्लानिंग करके आइयो, फिर चल निकल अब यहाँ से। यहाँ पे आ तो गए पर वो है किधर? यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है, बस मौसम खराब है। वहाँ पे क्या आ रहा है ये? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बॉस वेट, मैं देख के आता हूँ वहाँ पे क्या चीज है। अबे चीज क्या है ये? इसने तो हमारे शिप्स को ऐसी मसल दिया, अब बस इसी की कमी थी, लेजर भी छोड़ता है ये। अरे अब तो ये यहीं पे आ रहा है। अबे कितना पास आएगा बे, बस कर। अबे गया कहाँ? अपने शिप के नीचे है क्या? चलो ये सब रेडी हो जाओ, अपनी अपनी गन्स ले लो और अटैक करो उसके ऊपर। उसके वीक पॉइंट पे निशाना लगाओ सर। बॉस तुम्हारी शिप तवा कर दे उसने, आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ जल्दी। Start acting like you're winning, make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. अबे ये तो गोडज़िला है जो इस एंगल में आया था। अबे ये हमें क्यों बचा रहा अब? पहले तो हमें ही मारने आया था ये। लगता है मैजिक का असर जब से उतरा है, जब से हमारी साइड हो गया ये। अभी ये तो सैनरॉक वाला मॉन्स्टर लग रहा है, जो सैनरॉक में तबाही मचा रहा था, ये भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बताते हैं इस मेका गॉडज़िला को। चलो सब तैयार हो जाओ। देख के भाई, देख के मरवाएगा तू।
like the shit up. Hey, you okay? Technology with this aircraft is one of a kind. Wonder who came up with it. Rose incoming. It's all up to you, my friend. चलो सभी, काम हो चुका है अपना, निकलते हैं यहाँ से। और बॉस, इन दोनों मॉन्स्टर्स का क्या? अरे ये अपने अपने घर जा रहे हैं, अब देख नहीं रहा। चल जल्दी चल, हम भी निकलते हैं यहाँ से। अबे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्यों खड़े हैं इधर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तुमने बचा लिया भाई सभी को। बहुत बढ़िया जोकर, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे मैंने अकेले नहीं किया है, उन दोनों मॉन्स्टर्स ने भी हमारी हेल्प करी थी, तभी जाके हमने ये फाइट जीती है। अच्छा चल, कोई ना, जीत तो गए ना, चल अब पार्टी करते हैं। फाइनली हमने ब्लड ड्रेवन को हरा दिया है, और जोकर मीरामार में तो ब्लड ड्रेवन ने बहुत बुरा हाल कर रखा था। अब उस सबको देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, तो चलो जोकर मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है फेरो। चलो जोकर भाई, हम भी चलते हैं फिर। क्या, चलो मिलते हैं फिर कभी। अरे बॉस सुनो मेरी बात। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे स्कूल में दो लोग आए हैं पता नहीं कहाँ से, और उन्होंने हमारे लोगों की पेटियां बना दी फालतू में ही, बिना कुछ कारण। और उन्होंने कहा जब तक जोकर सामने नहीं आएगा वो लोगों की पेटी बनाते रहेंगे। अच्छा चल ठीक है, दिखा कौन है। तुम यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ उनको। अरे ये क्या, इन दोनों को तो मैंने मार दिया था, ये दोनों वापस कैसे आ गए? तुम दोनों की तो पेटियां बन गई थी, जिंदा कैसे हो गए फिर से तुम? हमारे ब्लड रेवन चचा ने जाते जाते बहुत ही अच्छा काम करा हम दोनों को जिंदा करके, और अपनी आधी पावर्स हमको दे के। क्या, तुम्हें आधी पावर्स दे दी उसने? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा ही हुआ है, तभी तुम ब्लड ड्रेवन को हरा सके, वरना सपनों में भी कभी नहीं हरा सकते तुम उसे। आखिर तुम लोग लेके आ ही गए वो पेटियां जिनको मैंने मंगाया था, अब इनको जल्दी से जिंदा करता हूँ। अरे
अरे बॉस, आपने हमें फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा किया है ताकि तुम मेरा एक काम कर सको। वैसे बॉस, काम क्या करना होगा? वो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए तुम्हें मेरी आधी पावर चाहिए होगी। तो चलो फिर, तैयार हो जाओ तुम दोनों। ओके बॉस, जो भी आपका काम हो वो हम पूरा करेंगे। तो हमें इतनी सारी पावर्स मिल गई, तो हमने सोचा सबसे पहले हम अपने बड़े दुश्मन से निपटते हैं, और आज तुम्हारी पेटी बनाने वाले हैं जोकर। अब आगे क्या करना है इसका? अब इसके अंदर शायद से जान बची हो, इसको लेके चलते हैं और फेंक देते हैं कहीं पे। ये सही कहा तुमने। यहीं से फेंक देते हैं ऐसे नीचे। आखिरकार इरेंगल हमारा हुआ। अब तो इरेंगल की दो जगह बांट लो, एक तुम्हारे अंडर में रहेगा और एक मेरे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज तो बच ही गया मरने से। ये कहां पे हूं मैं? अच्छा, ब्रिज साइड। अरे ये तो अभी भी जिंदा है, इसको पकड़ कर बॉस को दे देते हैं, बहुत सारी यूसी मिलेगी बदले में। ठीक है, कर लो कोशिश। साले मेरे को पकड़ने आए थे, अब यहाँ ओपन में रहना भी सेफ नहीं है। मुझे एक अच्छी जगह पता है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ, वहीं जाता हूँ। अरे बॉस, आपको पता है ब्रिज साइड पे हमारे लोगों की पेटियां मिली वहाँ पे। अच्छा, किसने मारा उन लोगों को? पता नहीं बॉस कौन था, पर उन लोगों की एक ही जगह पे क्रेट बना दी। एक काम करो, हमारे जितने भी लोग हैं ना, सब पूरे रंगल में फैल जाओ और सबसे पूछताछ करो कि किसने ये किया है, और तुम्हें अगर मिल जाए तो मुझे एक बार बता देना, उस साले की पेटी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। ठीक है बॉस। हेलो मोहित, अरे घर पे है क्या? अरे कौन आया इधर? अरे जोकर, तुम यहाँ पे कैसे? मेरे को तो लगा तुम्हें मार दिया गया है। तुम्हें भी पता है मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, पर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है रेड जोकर और बैड जोकर ने पूरे रंगल पे कब्जा कर रखा है, और उनके लोग यहाँ पे हर जगह पे हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो हम सबकी पेटी बना देंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, नहीं पता चलने वाला, बस मुझे यहाँ पे कुछ दिन रुकने की जगह दो। ठीक है, तुम रह सकते हो इधर। अरे घर में कोई है? दरवाजा खोलो बे। ये कौन आया? अरे जोकर जल्दी से दुबको, तुम बाहर मत आना जब तक बुलाऊं ना। अबे इतना टाइम लगा रहा दरवाजा खोलने में। अरे सॉरी भाई, मैं वो सो रहा था। हमें तुमसे एक बात पूछनी है, ब्रिज साइड पे हमारे कुछ लोगों की पेटियां बना दी गई है, तुम्हें कुछ आइडिया किसने बनाई? भाई मुझे नहीं पता यार इस बारे में, मैं तो इतने दिन से घर में हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ है। चलो ठीक है, बस यही पूछना था। ये कैसी आवाज ऊपर कोने पे? हट जरा, देख के आऊं। और तुम लोग भी देखो, ये घर में छानो पूरा। अरे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अरे बेटा पीछे देख लो जरा। जोकर तू जिंदा है? अरे जोकर, तुमने सबकी पेटी बना दी, अब इनके और भी लोग यहाँ पे आएंगे पूछने, क्या करें अब? कोई नहीं, इस घर को खाली कर देंगे, मेरे को एक सेफ जगह और पता है जहाँ पे हम दोनों रह सकते हैं। ठीक है, चलो फिर। अरे बॉस, जैसा आपने बताया था ना कि पूरे रंगल में सबसे पूछो, हमारे कुछ लोग पूछने गए थे किसी के घर पे, और वहीं पे उनकी पेटी बन गई है, और वो बंदा उस जगह को खाली करके दूसरी जगह पे रह रहा है। अच्छा,
फिर तो ये वही बंदा है जिसने हमारे लोगों की पेटी बनाई है। चल दिखा इसका घर कहाँ पे। यहाँ पे तो आ गए और मैंने अपना भेष भी बदल लिया है, पर मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा अभी भी कि वो लोग यहाँ पे भी आ जाएंगे। अरे तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं पूरा एंगल चेक करके आता हूँ एक बार कि क्या चल रहा है बाहर। अरे तुम पकड़े गए तो? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो। वो जो भी इस घर में रहता है नीचे आओ बे। अरे रेड जोकर भाई आप यहाँ कैसे? मुझे किसी ने बताया है कि हमारे लोगों की तेरे घर के पास पेटी बना दी गई है और तू वहाँ से खाली करके यहाँ पे रहने आ गया है। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो छुपा रहा है बेटे, जल्दी से बता नहीं तो यहीं पे तेरी पेटी बना दूं आज। अरे सच में भाई कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो चल फिर तैयार हो जा मरने के लिए। ये क्या, इसकी पेटी किसने बना दी? अभी एक घंटा भी नहीं हुआ होगा बाहर गए हुए, पर पता नहीं किसने ये कर दिया। तो सही कह रहा था भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पर तू टेंशन मत ले, तेरी पेटी का बदला तो लेके ही रहूंगा सालों से। मुझे पता था सालों यहीं फिराक में बैठोगे तुम मेरी। कोई नहीं अब बताता हूँ तुम्हें सालो। ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सिर्फ मैं तेरे से दो बार पूछूंगा, रेड जोकर कल कहाँ जाने वाला है जल्दी बता। अरे जोकर भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा मेरे से चला की करता है? चलो अब जल्दी से बता वरना पूरा फिनिश कर दूंगा साले। कल ना रेड जोकर स्कूल में आने वाला है और वहाँ पे पार्टी वार्टी होगी तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, बस मुझे छोड़ दो प्लीज। अच्छा तो स्कूल में आने वाला है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैंने यहाँ से जोकर को हटा दिया हमेशा के लिए और अब मेरा राज है यहाँ पे, तो इसी खुशी में आज पार्टी है। नाचो गाओ मौज करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये क्या हुआ इधर? ओए तू है कौन बे, और इन सब की पेटी किसने बना दी इतनी जल्दी? मैंने बनाई इन सब की पेटी और अब तेरी भी बनाऊंगा। अरे कहाँ गए सारे, जल्दी आओ बाहर। ओए एलियो मत है, भून देंगे तेरे को, बस इनकी ही कमी थी सालों की, तुझे तो बाद में देखता हूँ रेड जोकर। जिस तरीके से ये मेरे से लड़ रहा था ये कंफर्म जोकर ही है, ये अभी तक मरा नहीं है, ये अपना भेष बदल के मेरे को मारने आया था। बॉस आगे क्या करना? अब करता हूँ इसका भी जुगाड़, पर बैड जोकर को कोई नहीं बताएगा। ठीक है बॉस, हर बार कोई ना कोई आके बचा लेता है इसको, इस बार मुझे अपनी ही टीम बनानी पड़ेगी जो इनके लोगों से निपट सके, और मुझे पता है कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ काम करो। अच्छा तो तुम जोकर हो जो इरेंगल का बॉस था पहले? हाँ मैं वही हूँ। मुझे तो लग रहा था तुम बड़े खतरनाक दिखते हो और काफी पावरफुल हो, पर तुम तो एकदम नॉर्मल बंदे की तरह लग रहे।
रैंगल में जोकर वापस आ गया है, तो उससे निपटने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मशीन मंगवाई है जिससे तुम छोटे हो सकते हो और उस पर नज़र भी रख सकते हो। मैंने पूरे रैंगल में काफ़ी जगह पे ये मशीन लगवाई है और हर जगह पे हमारे काफ़ी सारे लोग होंगे जो छोटे बन जाएंगे, और अगर जैसे ही जोकर तुम्हें दिखे तुम उसे मार भी सकते हो इस मशीन की मदद से। बॉस करना क्या होगा? अंदर जा और वाला बटन प्रेस कर। बॉस मैं तो एकदम छोटा बन गया। ऐसा ही बनना है सबको, ताकि जोकर तुम्हें देख भी ना पाए अगर वो यहाँ पे आता है तो, और वो जैसे कभी आता है तो उसकी पेटी बना देना सालेगी, या तो फिर तुम मुझे बता देना मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो जोकर की बैंड आराम से बजा सकता है। अच्छा बॉस कौन है वो? वो बाद में पता चल जाएगा। तो बॉस सीन ऐसा है, रेड जोकर ने इरेंगल में काफी जगह मशीन्स लगवाई है। नहीं, ये मशीन्स काम क्या करती है? बॉस ये काम करती है जैसे कोई नॉर्मल बंदा है, ये मशीन उसको छोटा कर सकती है और उसको कोई ज्यादा देख भी नहीं पाएगा, पर वो देख सकता है और बंदे को मार भी सकता है। रेड जोकर ने ये मशीन आपके लिए ही लगवाई है ताकि आप इनमें से किसी जगह पे जाओ और पकड़े जाओ। तो हमारा प्लान ये है इनके ज्यादा से ज्यादा बंदे खत्म करने की। तो रेड जोकर के जो सबसे ज्यादा लोग अभी हैं वो पोचंकी के साइड जो मशीन है वहाँ पे हैं। तो बॉस आप वहाँ पे जाओगे जोकर बनके और उन सबको ठिकाने लगाओगे, और हम तीनों बाकी जगह पे बंदों को ठिकाने लगाते हैं। तो ये प्लान है बॉस। चलो ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं। अरे यहाँ तो गए पर कोई दिख भी नहीं रहा है। वो लोग हमें देख पा रहे हैं पर हम उनको नहीं, तो यहाँ ध्यान से देखो सब जगह। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो अच्छा ये हैं छोटी छोटी मक्खियाँ, इनको तो अभी बताता हूँ। तो तू है वो जोकर जिसने रेड जोकर की नाक में दम कर रखा है? हाँ मैं वही हूँ, पर भाई तू कौन है? मुझे तो लगा रेड जोकर आएगा। उन्होंने मुझे भेजा है तुझे निपटाने के लिए। अच्छा चल कर ले फिर कोशिश। बिल्कुल। बहुत हो गया खेल, अब बताता हूँ तुझे। यही चीज हर बार होती है, मैं किसी को मारने जाता हूँ तो वो साला गायब हो जाता है, पर अगली बार से ये सब नहीं होगा। तो
बड़ी खबर मिली है। जो रेड जोकर और बैड जोकर है ना, इनके पास यूसी की बहुत ज्यादा कमी चल रही है इस समय, इसलिए ये इरेंगल में से कुछ जगह बेच रहे हैं। तो मैं जाके खरीदूं क्या उनसे? वो तो साले मुझे खुद मारना चाह रहे हैं। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा खरीदने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा अमीर हो, जिसके पास यूसी की कमी ना हो, वो आपकी हेल्प कर सके इस टाइम पे। ऐसा बंदा? हाँ है तो सही। तो बॉस उसको बुलाओ ना। ठीक है बुलाता हूँ। ब्रो कुछ ऐसी कहानी थी अपनी। तुम्हारी स्टोरी तो यार मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। एक लाइक तो बनता है यार, सच में काफी अच्छी स्टोरी थी तुम्हारी। चलो फिर जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो करते हैं। ठीक है जोकर।